ठीक है। आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी, तो बोले झंडा ले लो। झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा। जिसने इतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो उनको को। सरकार के आदेश है साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भाई आपको राशन नहीं मिला झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा जी। चढ़वाए राशन कार्ड पर चढ़वा का गई, पूरे पूरे पीसे लेकर आए थे हम, 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे पूरे लेकर आए यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे महीने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा, 5 किलो राशन काट लिया जो मेरा झंडा दिया, 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान दे।